हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नंदकिशोर क्रिएटिविटी। एंड देखिए, आज हमने लड्डू गोपाल के लिए पोंचू बनाया है और ये मैंने 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाया है। 6 नंबर के लिए देखिए कॉलर वाली पोंचू है और ये मैंने यहाँ पे बना के लगाया। ये तो बहुत ईजी है, ये देखिए इस तरह से, और इसको बनाना बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैंने आज कैप भी बनाई है पोंचू के साथ, और इसको आप जैसे किसी भी ड्रेस के ऊपर पहना सकते हो, कलर मैच करो या फिर पोंचो, तो आप पता ही है किसी भी ड्रेस के ऊपर हम पहन सकते हैं, पहना सकते हैं लड्डू गोपाल को भी इसी तरह से। ये देखो, यहाँ पे मैंने पोम-पोम बनाया है, क्रोशे से ही बनाया है, और ये देखो बहुत ईजी ये ड्रेस बनेगी। और दूसरी बात, ये बिल्कुल फिट ड्रेस है। मैंने काफ़ी मैं पहनाया था, वो वीडियो नहीं बनाई लेकिन मैंने पहना कर देखा, तो बहुत अच्छे से इनकी फिटिंग जो है बैठी है। 6 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस है, तो आप ज़रूर बनाना अगर आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए करते हैं इसको बनाना स्टार्ट। तो ये मैंने 3-ply की वूल ली है, देखो यहाँ पर, और 10 नंबर का मैंने क्रोशिया लिया है, 3.25 mm का है ये देखो। और अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें एक नॉट लगानी है। नॉट लगाकर क्रोशिया हुक में डालेंगे, और देखो ये नॉट जो है ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए, ये देखो। और अब हम चैन बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, 1, 2, 3, 4, टोटल हमें जो है 32 चैन बनानी है यहाँ पे, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी बात, यहाँ हमें जो चैन है वो ज़्यादा टाइट नहीं रखनी है, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गई है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 एंड 32। अब देखो, मैंने 32 यहाँ पे चैन ली है, और ये जो है हमें ज़्यादा टाइट नहीं लेनी है और ज़्यादा लूज भी नहीं लेनी है, नॉर्मल सी लेनी है, ठीक है ना। और जैसे आपका हाथ चलता है उससे थोड़ी सी लूज़ लेनी है। अब ऊपर से 3 चैन स्किप करेंगे और यहाँ 4th चैन में हम क्रोशिया हुक को डालकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखो, यहाँ मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया। अब देखो, मैंने ऊपर से 3 चैन स्किप की, टोटल हमारी 32 थी, तो 32, 31, 30 एंड ये 29, तो 29 में हमने डबल क्रोशिया बनाया। और यहाँ सभी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 29 डबल क्रोशिया यहाँ से होंगे, और एक ये 3 के चैन जो स्किप किया इसको भी डबल क्रोशिया मानेंगे, तो ये हमारे टोटल 30 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट में बनाएंगे, तो ये देखो, ये हमें नेक्स्ट में बनाना है। हर एक चैन में अब हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, एक चैन में एक डबल क्रोशिया, तो टोटल हमारे हो जाएंगे 30 डबल क्रोशिया, ठीक है। तो इसी तरह से मैं ये फर्स्ट रो बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है यहाँ पर 2 रो बना दी है, और अगर मैं आपको, आप चाहो तो मैं, देखो मैं काउंट करके भी दिखा सकती हूँ। यहाँ देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड लास्ट 30। तो ये हमारे टोटल 30 डबल क्रोशिया है। और देखिए इस तरह से मैंने हाथ को चलाया है कि कहीं से भी इसमें झोल नहीं है, और देखो बिल्कुल अच्छे से एक सीधी पट्टी हो रही है। तो यहाँ मैंने 2 रो कर ली है, और मुझे यहाँ पे 5 रो टोटल करनी है, तो यानी कि मुझे 3 रो और करनी है, और 30 डबल क्रोशिया है, 30 चैन में 30 ही हमें बनाने हैं। तो देखिए, हम स्टार्टिंग में हमेशा, मैं करती हूँ कैसे करते हैं, जब हम 3 की चैन लेते हैं और वर्क को टर्न करते हैं तो एक डबल क्रोशिया हम यहीं पे बनाते हैं, ये देखो इस तरह से। तो यहाँ पे ये हमारे 2 दिखते हैं हमें, और नेक्स्ट में सभी में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। हमें हाथ को ज़्यादा टाइट नहीं रखना है और ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखना है, जस्ट हमें एक सीधी पट्टी बनानी है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ, 2 रो मैं कर चुकी हूँ, 3 रो मैं और कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसको कम्प्लीट कर दिया, और वूल मैंने अभी अलग नहीं किया। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5,
फाइव रो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया और इस तरह से एक पट्टी हमारी रेडी हो गई है ये 30 डबल क्रोशिया की, ठीक है ना। 30 डबल क्रोशिया, 30 30 30 30 30, तो सभी में 30 डबल क्रोशिया है। और सेम ऐसे ही ये देखो मैंने यहाँ पे एक और पट्टी ये बना रखी है, इसमें भी 30 डबल क्रोशिया है, ठीक है ना। देखो काउंट करके भी दिखा सकती हूँ, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and last 30। तो 30 डबल क्रोशिया ये है और 30 डबल क्रोशिया ये है। इस तरह से मैंने 5 रो इसमें बना रखी है और 5 रो इसमें बना रखी है। 5 रो बनाकर मैंने एक पट्टी तैयार कर ली है। यहाँ से मैं वूल को कट नहीं करूँगी, यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस तरह से रख लूँगी इतना वूल। और अब हमें करना क्या है, ये देखो इन दोनों पट्टी को हमें इस तरह से रखना है, ये देखो इस तरह से रखना है और इधर से भी इस तरह से रखना है। तो पहले मैं इधर से ये इस तरह से रख कर यहाँ पे ये देखो इस तरह से रखूँगी और यहाँ यहाँ और यहाँ चारों तरफ से इसको मतलब बॉक्स बनाकर मैं सिलाई कर दूँगी। ये देखो इस तरह से जैसे रखा ऐसे 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 और ऐसे, तो मैं इसको यहाँ पे स्टिच कर दूँगी। इसको मैं सुई में डालूँगी वूल को। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको रख लिया है और ये देखो एक बॉक्स सा यहाँ पे बन जाएगा। तो अब मैंने ये देखो नीडल में जो है वूल को डाल लिया और यहाँ से इसके अंदर से डालकर इस तरह से इसके अंदर से डाल लेती हूँ पहले, और यहाँ ये मैंने इस तरह से निकाल लिया। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखो इस तरह से डाला ऐसे, इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा टाका भी लगा देते हैं तो दिखाई नहीं देता है। ये देखो अब इसको ऐसे मैंने घुमा लिया, अब यहाँ से ये देखो मैं यहाँ से पलट कर दिखा दूँ, ये देखो हो गया। अब मैं यहाँ से इधर से इस तरह से ये देखो अब यहाँ से सील देंगे। ये देखो यहाँ मैं नोट लगा दूंगी और इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो देखो इस तरह से मैंने स्टिच कर दिया है और दिखाई भी नहीं दे रहा है स्टिच कहाँ से किया है, ठीक है। और अब हम यहाँ से इस तरह से दूसरी साइड से ये देखो यानी कि ये हो गया, अब ऐसे किया और यहाँ इस तरह से हम यहाँ से भी पूरे बॉक्स के रूप में सील देंगे। और ये जो है ये हमारा नेक राउंड बन गया है, यहाँ पर मैं कॉलर बनाऊँगी। तो चलिए पहले इसको मैं सील देती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर कॉलर बनाऊँगी। तो देखो फ्रेंड्स मैंने दोनों साइड से इसको स्टिच कर दिया है, इधर से भी और इधर से भी। और मैं आपको देखो इस तरह से मैं दिखा दूँ तो यहाँ पे मैं काउंट करके यहाँ दिखाती हूँ, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10 10 डबल क्रोशिया इधर है और 10 डबल क्रोशिया इधर है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें कॉलर बनाना है। तो चलिए करते हैं कॉलर बनाना स्टार्ट। तो देखो यहाँ पर मैंने ये वाली वूल ली, ये देखो यहाँ से वूल ली और यहाँ फर्स्ट चैन में हम क्रोशिया को डालकर इस तरह से जॉइंट करेंगे।
सॉरी। वन टू थ्री, थ्री की चैन ली, यहाँ पे इसको वूल को दबा लेंगे और ये देखो डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, सभी में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन हो गया है। और ये देखो टेन तो डबल क्रोशिया, एक यहाँ पे बनेगा डबल क्रोशिया, तो ये हमारे इलेवन हो जाएंगे। और यहाँ यहाँ हम दोनों के बीच में से, ये देखो दोनों जो हमने सील रखे ना उसके बीच में से लेंगे और इस तरह से दो डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। ये देखो दो हो गए, अब इधर से बनाएंगे। अब हम दूसरी साइड आ गए हैं, ये जो सेंटर है जहाँ से हमने दो डबल क्रोशिया बनाए हैं, अब नेक्स्ट साइड भी बनाएंगे। ये देखो नेक्स्ट साइड मैंने दो डबल क्रोशिया बनाए, बना चुकी हूँ, मतलब अलग अलग चैन में बनाए हैं, एक ही चैन में दो नहीं बनाए हैं। ये देखो ये अलग है, ये अलग, अलग और अलग, तीन डबल क्रोशिया हो गए। और नेक्स्ट में चार पाँच छः सात आठ नौ दस और ये लास्ट ग्यारह। तो देखो इलेवन यहाँ थे और इलेवन यहाँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो वन टू थ्री फोर, फोर मैंने यहाँ पे चैन बनाई और दो बार मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ पे जहाँ पे हमने चैन बनाई थी उसी में फर्स्ट में ही दो को एक बार निकाला, दो को एक बार निकाला एंड दो को एक बार निकाला। नेक्स्ट में सॉरी दो बार लपेटा हमने, तो देखो ये तीन हो गई है। नेक्स्ट में चैन में डाला और दो को एक बार, दो को एक बार एंड दो को एक बार निकाला, इस तरह से ये तीन हो गए। अब नेक्स्ट में हमें डबल क्रोशिया बनाना है और पूरी रो डबल क्रोशिया से करनी है। और जिस तरह से हमने ये देखो यहाँ पे एक मैंने चार की चैन बनाई उसी में एक डबल क्रोशिया बनाया, ओ सॉरी ट्रिपल क्रोशिया बनाया एंड अगेन फिर हमने ये ट्रिपल क्रोशिया बनाया। इस तरह से तीन ट्रिपल क्रोशिया हमें इस साइड बनाने हैं, इस साइड, दूसरी साइड और बाकी सभी में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो उसके लिए मैं यहाँ डबल क्रोशिया बनाकर आ जाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ सभी में एक एक बार और डबल क्रोशिया बना दिया है और यहाँ लास्ट में मेरे पास दो चैन रह रही है, तो उसमें देखो एक बार लपेटा, दो बार लपेटा और यहाँ एंटर करके क्रोशिया हुक में ये देखो वन टू थ्री फोर, फोर हो गए मेरे पास। अब फोर से पहले हमने दो निकाले, फिर हमने ये वाले दो निकाले, ये देखो अब दो रह गए, फिर हमें ये वाले दो निकालने। अब लास्ट चैन मेरे पास आ गई है, उसमें भी मैंने दो बार लपेट लिया है और ये देखो यहाँ पर दो में से एक बार निकाला, फिर दो में से एक बार निकाला एंड अगेन दो में से एक बार निकाला, फिर से यहाँ देखो मैंने दो बार लपेटा और यहीं पे लास्ट वाले में ही एक बार और बनाऊंगी, तो दो में से एक बार, दो में से एक बार और दो में से एक बार, इस तरह से करके ये देखो मैं यहाँ आपको दिखा दूँ। देखिए इस तरह से हमारा जो कॉलर है रेडी हो गया है, ये देखिए कॉलर बनकर रेडी हो गया है यहाँ पर। तो ये हमारे तीन बार हो गए और ये भी हमारे तीन बार हो रखे हैं, तो ये बिल्कुल सेंटर में मैं यहाँ पे कर देती हूँ। तो ये देखो इस तरह से हमारा कॉलर बन गया, तो मैं यहाँ से वूल को कट कर दूँगी। तो देखिए यहाँ से मैंने वूल को कट कर दिया है और यहाँ पे मैंने एडजस्ट भी कर दिया। इस तरह से हमारा कॉलर वाला एक पोंचू तैयार हो गया है। यहाँ पे आप फ्लावर्स लगा सकते हो, मोती लगा सकते हो, स्टोन वगैरह जो भी लगा सकते हो। और अब मैं कैप बनाऊंगी इसके लिए, तो देखो कैप के लिए भी मैंने पहले से ये एक पट्टी जो है सीधी बना के रखी हुई है। यहाँ मैं दिखा दूँ, देखो वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी फाइव। तो ये मेरे पास ट्वेंटी फाइव डबल क्रोशिया है, तो मैंने ये ट्वेंटी फाइव डबल क्रोशिया से ये पट्टी तैयार की है और यहाँ पे मैंने वन टू थ्री फोर, फोर रो इसमें बनाई हुई है।
और देखो 25 से मैंने ये पट्टी बनाई, चार रो बनाई और यहाँ पे मैंने कट कर दिया है। ये देखो इतनी वूल मैंने यहाँ पे रखी है और इसको यहाँ देखो इसके बीच में से मैंने निकाला, ठीक है ना। नोट भी लगा सकते हैं यहाँ, ये देखो इस तरह से नोट यहाँ लगा लेंगे। ये देखो अब हमें क्या करना है, दूसरी साइड से यहाँ देखो नोट लगी हुई है, दूसरी साइड से इस तरह से क्रोशिया हुक को डालना है। एक डबल क्रोशिया उठाया, एक नीचे छोड़ा, दूसरा उठाया, एक को नीचे छोड़ा, दूसरा उठाया, फिर इस एक छोड़ देंगे, दूसरा उठाएंगे, इस तरह से एक को छोड़कर उठाना है हमें। ये देखो ऐसे ऐसे मैंने सभी को डाल लिया क्रोशिया हुक में। ये देखो इधर से मैंने एक एक छोड़ रखा है। अब यहाँ मैं इसको क्रोशिया हुक में हड़ाऊँगी और इसको यहाँ पे मैं खींच लूँगी। तो ये देखो मैंने यहाँ पे वूल खींच ली है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से मैं इकट्ठा कर दूँगी और यहाँ पे नॉट लगा दूँगी, यानी कि मैं ये सिलाई कर रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरह से करके अब मैं इसको सिलाई कर दूँगी। ये देखो यहाँ मैंने लगाया और मैं ये आप सुई से भी कर सकते हो, मैं ये डबल क्रोशिया से ही कर रही हूँ, आप चाहो तो सुई से कर सकते हो। अब हमें इधर से देखो ये मैंने ऊपर से डाल दिया, अब ये मुझे साइड से भी सीलना है, तो यहाँ मैं क्रोशिया से ही इसको सील रही हूँ। ये देखो इस तरह से दोनों में लेकर, और जैसे सिंगल क्रोशिया बनाते हैं उस तरह से मैंने इसको कर दिया है। ये देखो तो इस तरह से आप और कुछ यहाँ पे पोम पोम वगैरह लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। तो ये देखिए किसी भी साइड से सीधा कर लो, कर सकते हो आप, ये देखो, बट इधर से करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये देखिए इस तरह से हमारी जो है, यहाँ मैंने इसको नहीं किया है, नोट लगा देंगे अच्छे से। तो ये हमारी जो है लड्डू गोपाल की कैप रेडी हो गई है और यहाँ मैं पोम पोम बना के एक यहाँ पे लगा दूँगी। तो देखो इस तरह से हमारी लड्डू गोपाल की कैप रेडी हो गई है और ये हमारे लड्डू गोपाल की वो पोंचो रेडी हो गया है। तो यहाँ भी मैं पोम पोम बना दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे तो मैंने इस तरह से लगा दिया है और इस पर मैंने ये क्रोशिया से ही पोम पोम जैसे हम बनाते हैं ना, मैंने काफ़ी ड्रेसेस में बताया है, वो बनाकर मैंने इस पर लगा दिया है। तो इस तरह से ये है आज की लड्डू गोपाल की ड्रेस कंप्लीट हो गई है। तो आपको अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।